सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिषेक रंजन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कंपनी के बारे में जो कि बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है और आप इस कंपनी को सस्ती टेस्ला के नाम से भी कह सकते हैं। सस्ती तो ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ BYD के बारे में, जो कि एक चाइनीज कंपनी है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कहाँ से आती है कंपनी, कितनी पुरानी है और क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बनाती है और इंडिया में यानी हमारे मार्केट से इसका क्या लेना देना है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, उस चीज के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान में BYD इंडिया स्थानीय भागीदारों के लिए स्काउटिंग कर रहा है और उसके साथ साथ संभावित सहयोग के लिए बातचीत कर रहा है ताकि उनके मौजूदा बिक्री ऑपरेटर्स नेटवर्क का लाभ उठाया जा सके। BYD इंडिया जल्द ही स्थानीय आपूर्तिकारों की मदद से और अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को पेश करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। BYD या फिर बिल्ड योर ड्रीम्स, जो कि इसकी फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स, तो यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है जो कि चीनी बाजार से आती है। यह 2007 से भारत में मौजूद है। यही नहीं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने के लिए इस कंपनी ने ओलेरा के साथ में साझेदारी की है। हाल ही में इस कंपनी ने दो वैन भी इंडिया में लॉन्च की है, दोनों इलेक्ट्रिक है और ये कंपनी जो है पूरा इलेक्ट्रिक बेस्ड ही केवल कार्स वगैरह बनाती है। तो 3T करके नाम रखा गया है, जो कि एक MPV है और ये कारो के साथ भी आती है। BYD इंडिया की स्थापना मार्च 2007 में चेन्नई में हुई थी और इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सहायक कंपनी के दो कारखाने हैं जो कि 140,000 वर्ग मीटर से अधिक को कवर करती है। व्यवसाय के मोबाइल घटक सौर पैनल, बैटरी ऊर्जा भंडार, इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक फोकलिफ्ट, चार्जर, रेल ट्रांजिट आदि शामिल हैं और उत्पाद समाधान के साथ ग्राहकों को प्रदान करता है। BYD कहता है, हम ई वाहन व्यवसाय के लिए भारत में एक बड़ी क्षमता देखते हैं और यह भी महसूस करते हैं कि भारत भविष्य में ई वाहनों को सबसे बड़ा बाजार में से एक हो सकता है। BYD यह भी कहता है कि हमारा मानना है कि कई प्रतियोगियों और विद्युत गतिशीलता की क्षमता को देखते हुए देश प्रदूषण से लड़ने और पारंपरिक ऊर्जा खपत को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान के लिए भी बहुत उत्सुक है। इलेक्ट्रॉनिक बस क्षेत्र में ओलेरा के साथ BYD इंडिया अपनी प्रमुख बाजार स्थिति बनाए रखने के लिए दिखेगा। वर्तमान में BYD और ओलेरा साझेदारी में भारत में बसों का 52% बाजार की हिस्सेदारी हासिल की है। BYD ने हाल ही में प्रारंभिक चरण के लिए भारतीय बाजार में T3 शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक MPV लॉन्च किया है। हम मांग पैदा करने के लिए, संभावित अवसरों का पता लगाने के लिए चीन से CBU आयात करेंगे। वास्तविक बाजार प्रतिक्रिया के अनुसार हम भारत में CKD संचालन की योजना बनाएंगे। BYD भविष्य में लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय बाजार में अधिक वाहन मॉडल पेश करेगा। BYD इलेक्ट्रॉनिक बस हमारे स्वविकसित लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी द्वारा संचालित होगी, जिसमें शहरी सड़क व परिस्थितियों में एक सिंगल चार्ज पर सबसे लंबी ड्राइव रेंज 250 किलोमीटर है। BYD बसों में 12 मीटर बॉडी लंबाई और एक कदम टू फ्लोर इंटीरियर के साथ 18 टन वजन है। यहाँ पर बिजली की खपत प्रति किलोमीटर 1.3 किलोवाट पर आवर से भी कम है। BYD इलेक्ट्रॉनिक बसों को DC चार्जिंग उपकरण का उपयोग करने में पूरी तरह से चार्ज होने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों में सबसे कुशल बिजली ट्रेन भी शामिल है, जो बस के भीतर उपलब्ध बैटरी का प्रयोग करके संचालित होती है। बस में एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम भी है जो ऊर्जा की वसूली को सक्षम बनाता है और ड्राइव रेंज का विस्तार करता है। T3 MPV और T3 मिनीवैन मॉडल BYD के मालिकाना बैटरी तकनीकी को अपनाते हैं। यह वाहन कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंसर और कार्गो स्पेस यात्रियों के लिए स्थान प्रदान करता है। वाहन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है, जो उन्हें सबसे आसानी से चलने वाले वाहनों में से एक बनाता है। ये दोनों मॉडल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग सिस्टम APB, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी ABD जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ में आते हैं। एक T3 MPV या फिर T3 मिनीवैन ईंधन की खपत को 5 पैसेंजर कार के बराबर बचा सकता है। दोनों मॉडल को DC चार्जिंग उपकरण के प्रयोग करके पूरी तरह से चार्ज करने के लिए केवल 1.5 घंटे की आवश्यकता होती है। एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर दोनों मॉडल 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। व्यवसाय मॉडल के साथ साथ सर्विस पैकेज के आधार पर वाहनों की कीमतों का फैसला किया जाएगा। यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि BYD ने आगामी शोरूम और आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया है। 2018 में BYD ने चीन में नई ऊर्जा वाहन की 2,47,811 यूनिट्स बेची। BYD ने नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री में 2015-2018 तक लगातार 4 वर्षों के लिए दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया। BYD प्रत्येक बाजार क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाएगा। कंपनी के विकास के अनुसार आगे घोषणा कंपनी की तरफ से की जाएगी।
केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और BYD बहुत ही जल्दी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेकर आ रहा है। इंडिया में यह 2007 से मौजूद है जैसे कि मैंने आपको बताया, और काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी कार वगैरह की भी जो है टेस्टिंग वगैरह इंडिया में शुरू हो चुकी है। जल्द ही ये जो गाड़ी है वो आपको सड़कों पर और ज़्यादा देखने को मिलेगी खुले तरीके से। और ये फुली इलेक्ट्रॉनिक वाहन ये कंपनी BYD बनाती है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है जैसा कि मैंने आपको बताया। काफ़ी अच्छे इसके जो स्टैटिक्स रहे हैं पिछले कुछ समय में। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को नीचे आकर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉरगेट सॉरो बी हैप्पी।